नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 0 से लेके 6 मंथ तक की बच्ची के लिए इस तरह की राउंड शेप फ्रॉक की चोली बनाना बताऊंगी। और ये मेरा जो मैंने फ्रॉक बनाई की चोली बनाई हुई है, ये इसका आगे का हिस्सा आएगा हमारा, और ये हमारा बैक आएगी। जो इस तरह से हमारा बैक है ये खुला हुआ इस प्रकार से बनेगी हमारी। और बाद में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से पट्टी बनाएंगे, बटन पट्टी जो हमारी जो बैक पे आएगी, और जो हमारा क्लियर जो इसका हिस्सा है वो आगे की तरफ आएगा, और ये हमारी बाजू आएंगी दोनों तरफ इस तरह से। तो इस जो मैंने ये चोली बनाई हुई है इसको मैंने 57 डबल क्रोशेट से ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसकी 8 रो बनाई है। तो आप इसकी 7 रो भी बना सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाया है, तो ये मेरे पास 133 मेरे पास डबल क्रोशेट आए हैं। तो 133 जो मेरे पास डबल क्रोशेट हैं उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 हिस्सों में। तो यहाँ पे 33 मेरे इस बाजू के लिए मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, और 33 हमारे इस तरफ आए हैं, और 33 जो हमारे यहाँ पे डबल क्रोशेट हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी आगे का जो हिस्सा है फ्रंट है वहां पे आएंगे, और बैक की तरफ हमारे पास 34 आएंगे। तो जो हमारा बैक का हिस्सा है वहां पे हमारे पास एक डबल क्रोशेट ज्यादा आएगा, क्योंकि हम इधर से लेकर यहाँ तक हमने 17 डबल क्रोशेट छोड़े हैं, और इधर से लेकर यहाँ तक भी हमने 17, तो ये दोनों को मिला के हमारे पास ये 34 हो जाएंगे। तो इसमें मैंने इसको एक रो में बढ़ाया है, और एक रो में इसको मैंने चोली को नहीं बढ़ाया है, तो इस प्रकार से मैंने इसको बढ़ाया है। तो अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसी मेथड से जो मैं आज आपको बताऊंगी आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 57 डबल क्रोशेट की एक रो बनाई हुई है, तो मैंने 57 चेन ली है, और हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशेट किया है। तो अभी हम यहाँ से हमारी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले 3 चेन लेना है, 3 चेन लेंगे और बल लेना है, और जो हमारी सेकेंड यहाँ पे चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशेट हो गए, एक तो चेन को भी हम डबल क्रोशेट में काउंट करेंगे, और ये एक हमारा ये हो गया। तो 2 के बाद हमने थर्ड जो हमारी चेन है वहां पे हमने बढ़ाना है। तो हम जब भी बढ़ाते हैं तो एक ही चेन में हमने 2 बार हम डबल क्रोशेट बनाते हैं। तो हमने एक ही चेन में 2 बार बनाया, तो हमारा ये डबल क्रोशेट यहाँ पे एक बढ़ गया। तो फिर से देखिए हमने एक बनाना है, फिर हम दूसरी बार बनाएंगे, और फिर हम तीसरी बार जो हमारी चेन है वहां पे हमने बढ़ा देना है। तो हर एक 2 डबल क्रोशेट के बाद हमने थर्ड चेन में यहाँ पे बढ़ाना है। तो 1, 2 और 3 चेन में मैंने बढ़ाया, फिर से देखिए 1, 2 और 3 चेन में मैंने बढ़ाया। तो ये पूरी रो हमने इसी प्रकार से बनानी है। 2 बार हमने अलग अलग चेन में डबल क्रोशेट करना है, और फिर जो हमारी थर्ड चेन आएगी वहां पे हमने एक ही चेन में 2 बार बनाना है। तो देखिए मैंने ये सेकेंड रो अपनी बना ली है, और लास्ट में ये मेरे पास 2 फंदे आए हैं एक ही चेन में। तो ये इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से हमारी ये चोली आएगी। यहां से अभी हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा थर्ड राउंड है उसको हमने कुछ भी यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। एक चेन मैंने लिया हुआ है, 2 चेन मैं और लूंगी यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, तो हमने हर एक चेन में बनाते हुए जाना है एक एक बार डबल क्रोशेट। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, तो हमारे पास जितने यहाँ पे डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर हमने एक एक बार बनाना है। तो ये पूरी रो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए ये पूरी रो हमने इसी प्रकार से बनानी है, कुछ भी नहीं बढ़ाना है हमने। तो ये देखिए मैंने 3 रो बना ली हैं, और इस प्रकार से मेरी चोली आई है। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा आएगा, और ये हमारा बैक है जो खुला हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे 4th राउंड बनाना है। तो 4th राउंड में हम फिर से बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने 1 राउंड में बढ़ाना है और 1 राउंड में हमने नहीं बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चेन लिया हुआ है, 2 चेन मैं और लूंगी। तो अभी हमने यहाँ पे पहले हमने 2 डबल क्रोशेट के बाद बढ़ाया था, तो अभी हमने 3 के बाद बढ़ाना है। तो 1 और 2 और 3
तीन हो गए और जो हमारा यहाँ पे फोर्थ आएगा वहां पे हमने एक ही चेन में दो बार बनाना है। देखिए हमने एक ही चेन में दो बार बनाया, फिर से देखिए एक बार बनाया डबल क्रोशेट, फिर हमने दूसरी बार डबल क्रोशेट बनाया, फिर हमने तीसरी बार बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, और जो हमारा फोर्थ चेन आएगा वहां पे हमने एक ही चेन में दो बार बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बढ़ाया था एक और दो, दो के बाद बढ़ाया था, फिर हमने सेम बनाया एक दो और तीन, यहाँ पे हमने तीन के बाद बढ़ाना है, फिर हमने सेम रो बनानी है और नेक्स्ट रो में हमने एक दो तीन चार, हमने यहाँ पे चार के बाद बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट जो यहाँ पे हमारी रो है वहां पे हमने डबल क्रोशेट लिए थे 57, तो सेकंड रो में राउंड में हमने एक दो, दो के बाद हमने बढ़ाया, ये हमारे एक ही चेन में दो डबल क्रोशेट हैं, और थर्ड राउंड में हमने नहीं बढ़ाया, सेम बनाया, और इसके आगे फोर्थ राउंड में हमने एक दो और तीन, हमने तीन के बाद बढ़ाया और फिर हमने सेम रो बनाई और उसके बाद एक दो तीन चार, और हमने पांचवी जो हमारी चेन है वहां पे बढ़ाया, फिर हमारी रो सेम आई है और लास्ट जो हमारी एट्थ रो है वहां पे एक दो तीन चार पांच और छह, जब हमारी सिक्स्थ रो है यहाँ पे वहां पे हमने बढ़ाया है। तो इस प्रकार से मैंने इस चूली को बढ़ाया है। तो अगर आप इसको बड़ी बनाना चाहते हो तो आप एक रो में आप बढ़ाओगे और एक रो में आपने नहीं बढ़ाना है, तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया है आपने वैसे ही बढ़ाना है, दो फिर तीन चार, इस प्रकार से आप बढ़ाते हुए जाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने बाजू के हिस्से छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपने डिवाइड कैसे करना है, आपने काउंट करते हुए यहाँ तक जाना है, तो आपने यहाँ पे 17 जो हमारे डबल क्रोशेट हैं वहां पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद आपने 33 यहाँ पे छोड़ देने हैं, और फिर यहाँ पे आपने जो मार्क लगाया यहाँ पे जो हमारी चेन आ जाएगी 33 के बाद वहां पे आपने इसको ज्वाइन कर देना है, फिर हम 33 ये जो हमारे फ्रंट का हिस्सा है वहां पे छोड़ देंगे, और ऐसे ही हमने फिर 33 बाजू के लिए छोड़ देना जो हमारा खुला रहेगा यहाँ से, और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फिर से 17 रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे बैक की तरफ 34 हो जाएंगे। तो बाकी जो हमारे तीन साइड हैं फ्रंट की और दो बाजू की वहां पे हमारे 33 होंगे। तो ये आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो, यहाँ से आप इसे जोड़ सकते हो, यहाँ से बनाओगे आप, और फिर अपने यहाँ पे डबल क्रोशेट को ज्वाइन कर देना है, फिर हम फ्रंट का हमारा हिस्सा बनाएंगे और फिर आपने यहाँ पे ज्वाइन करते हुए यहाँ तक बना लेना है। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ के फिर आगे आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।